करने और तैयारी करते हैं, क्योंकि आज कल हमने रोज़ा रखा था 9 मुहर्रम का, आज 10 मुहर्रम है। और इसके बाद नमाज वगैरह से काम से फारिग होकर अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ रहियान को भी भूख लग गई है, तो उन्हें हम बना कर देते हैं, चौकोस बना कर देते हैं। आज उनका मूड है दूध के साथ खाने का, वरना ये अक्सर ऐसे ही सादे खा रहे होते हैं। ये मैंने इन्हें बना कर दिया है। चलें, हम सैरी से फारिग हो चुके हैं, हमने किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है और इसके बाद नमाज से फारिग होकर फिर थोड़ी देर सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे तो देखते हैं, क्योंकि आज मौसम का भी है कुछ बारिश वगैरह का, देखें कब तक होती है। लेकिन अब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा बहुत ही कड़कती धूप है। वैसे भी 10 मुहर्रम को शदीद गर्मी होती है, तो इसी तरह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन फिर कुछ देर में मौसम चेंज होता गया, हम इफ्तारी से फारिग हो गए। इसके बाद मैंने खाना भी रेडी कर लिया है, क्योंकि हमें जाना था आज हॉस्पिटल, और वो क्यों जाना था वो मैं आगे आपको बताती हूँ। रियान देखें रेडी होकर बैठे हुए हैं, इसके साथ ही हम जैसे रेडी हुए हैं तो मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, और ये देख रहे हैं आप किस तरह बिजली कड़क रही है, गरज चमक रहे हैं बादल, और बहुत ही अच्छी लग रही थी वो, एक साइड से ही काफ़ी स्पार्क हो रहा था। हमने ये वीडियो बनाया है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा व्यू हो रहा है। बादल आ चुके हैं और बस बारिश होने की ही देर थी, बस इसी दौरान कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई, और अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुई, 10-15 मिनट ही हुई है और फिर बंद हो गई थी। ये देख रहे हैं आप, शायद इसमें नज़र नहीं आ रहा हो, हल्के हल्के बूंदे नज़र आ रही हैं रेलिंग पे। काफ़ी अच्छा मौसम हो,
मिलें बच्ची से। और ये देखिए रैयान और अज़लान अपने खेल में मशगूल हैं, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी अंदर जाने नहीं देते हैं। तो उससे फिर हमारी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और फिर हम गए रूम में, हमने मिठाई खाई और बच्ची से मिले, बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह से बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, इसको हर नज़रबद से बचाए, आमीन। और मेरी बेटियां भी मेरे साथ थीं, सब बहुत खुश थे, हम सब बहुत खुश हुए। सभी पूरे ख़ानदान ही माशाल्लाह से सब खुश है, बहुत छोटी बेबी से मिलकर। उसके बाद फिर हम मिलने के बाद अपने वापस घर के लिए रवाना हुए। बाहर निकले हम, फिर थोड़ा सा हम लोगों का मूड चेंज हो गया, क्योंकि बैक साइड पे ही थी फूड स्ट्रीट। तो बच्चों ने ज़िद किया कि भाई चलें गोला गंडा खाते हैं, तो हम निकल पड़े हैं गोला गंडा खाने के लिए। 14 अगस्त भी नज़दीक ही है, तो देखें स्टॉल्स, जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसके लिए हम एक अलग से विज़िट करेंगे। रैयान अज़लान को भी बैजेस वग़ैरह दिलाने हैं, इसके लिए फिर कभी आएंगे, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी हो गया था। अब हमने सोचा पहले हम खा पी लें। हम पहुंच गए हैं और हम सब ने गोला गंडा इंजॉय किया, तो बनके में भी इंजॉय किया। देखें बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही मज़ेदार गोला गंडा था। हम सब ने इंजॉय किया। रैयान तो पहले मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन देखें उन्हें भी मज़ा आया, काफ़ी मज़ेदार लगा, काफ़ी शौक़ से उन्होंने खाया। गोला गंडा खा कर फिर हम घर वापस आ गए। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा? मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।